Daily Bulletin is presented by KBN University, United Hospital and Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं येडियुरप्पा को इस बार टिकट मिल सकती है या नहीं, इस पर सवाल है। बीजेपी 20% से ज्यादा सिटिंग एमएलए को ड्रॉप कर रहा है इस बार के कर्नाटका इलेक्शंस में, जो कि गुजरात के और उत्तर प्रदेश का मॉडल है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा सिटिंग एमएलए जो होते हैं उसमें से बहुत सारे लोगों को अवॉइड किया जाता है, उन्हें टिकट नहीं दी जाती, या तो उनके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाती है या फिर उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। अब येडियुरप्पा जी के बारे में क्या ख्याल है, इस बार टॉप सोर्स ऑफ बीजेपी की ये बता रहे हैं कि उनकी एज भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन याद रखिए येडियुरप्पा एक ऐसे खिलाड़ी हैं बीजेपी के कि अगर वो हटते हैं तो वोट भी हक करते हैं। याद रखिए कई सारे सिटिंग एमएलए के अंदर बसराज बम्बई की सरकार बहुत सारे लोगों को ड्रॉप करने वाली इस तरह की खबर आ रही है। इसमें येडियुरप्पा जो कि अपनी चीफ मिनिस्टर पोस्ट उन्होंने छोड़ा था और बसराज बम्बई को उन्होंने दिया था इस पोस्ट को, क्या वो इस कुर्बानी पर मानेंगे या नहीं, क्योंकि वो अपने यंगर बेटे के लिए भी सीट ट्राई कर रहे हैं। कई सारे एमएलए में शामिल हैं ईश्वरप्पा जो कि 74 इयर्स के हैं और थिप्पा रेड्डी जो कि 75 इयर्स के हैं। इस तरह की बात चल रही है पॉलिटिकल क्षेत्र में। उसके बाद हम बात करते हैं, राहुल गांधी ने कहा पार्लियामेंट में, उन्होंने अडानी के बारे में बात तो की लेकिन उन्होंने कहा पीएम मोदी शेल शॉक्ड है, उन्होंने सिंगल आंसर नहीं दिया अडानी पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिट आउट किया अपोजिशन से, कहा रिप्लाई दें जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है प्रेसिडेंट एड्रेस इन लोकसभा में। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी वॉज शेल शॉक्ड एंड डिड नॉट गिव आंसर टू एनी ऑफ द क्वेश्चन दैट ही एड्रेस रिगार्डिंग हिज गवर्नमेंट्स एलेज्ड रोल इन द राइज ऑफ गौतम अडानीज फॉर्च्यून। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बात बताई कि किस तरह से वो शॉक में थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था, राहुल गांधी कह रहे हैं। सवाल ये था राहुल गांधी का कि आप कितनी बार गौतम अडानी के साथ ट्रैवल किए हैं, आप कितने बार गौतम अडानी से मुलाकात किए हैं, ये इतने सवाल मैंने पूछा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। 8 साल की लड़की का हुआ रेप स्पोर्ट्स टीचर का गवर्नमेंट स्कूल में, ये अक्यूज कर रही है और अक्यूज को किया गया है डिटेन। ये 8 साल की लड़की जिसे रेप किया गया है एलिजेंटली बाय हर स्पोर्ट्स टीचर इनसाइड ए गवर्नमेंट स्कूल इन ईस्ट दिल्ली। दिल्ली से हम आपको खबर ला रहे हैं जहाँ अक्यूज टीचर हैज बीन डिटेन। डीसीपी अमृत गोदकुलात जो कि इस बात की जो रिपोर्ट ले रही है, उन्होंने कहा कि सेक्सुअल असॉल्ट चाइल्ड पर किया गया स्कूल टीचर से। पुलिस इमीडिएटली डिप्लॉय की गई है पेरेंट्स के, बच्चे के पेरेंट्स के पास और वहां पर क्लास 3 स्टूडेंट जो ये लड़की है उस पर आके जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि जो रिपोर्ट आने वाली है वो रिपोर्ट में क्या होगा। मनाई रमजान मदीना में अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। जी हाँ, 3 पैकेजेस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जरूर कांटेक्ट करिएगा 9944482620 या फिर 7483008903। आप देख रहे हैं तुर्की में किस तरह से, सीरिया में किस तरह से अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, अब इंडिया, क्या इंडिया के अंदर भी अर्थक्वेक्स होंगे। एक सीनियर रिपोर्ट बताई जा रही है अर्थक्वेक स्कैनर की कि 60% इंडियन स्टेट्स भी प्रोन हो सकते हैं अर्थक्वेक्स के लिए। जी हाँ, बैक टू बैक अर्थक्वेक्स हुए टर्की और सीरिया में, जिसमें 5,000 से बढ़कर लोगों की मरने की खबर आ रही है। इस तरह की बात बताई जा रही है कि जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर काफ़ी डिप्रेशन है, वहाँ पर काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हुआ है वहाँ के जो रीजन है, और उस रीजन को ओवरऑल इंडिया का जो रीजन है सिस्मिक जोन के हिसाब से 4 में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले जोन 5 आता है जिसमें सिस्मिकली मोस्ट एक्टिव रीजन रहता है, और जोन 2 रहता है सबसे कम वाला। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने बताया कि हिमालयन बेल्ट में आसपास में ये एरिया में काफ़ी सारा क्वेक्स होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी बिल्डअप हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम सेफ रहें और हम सब जो है इस अर्थ क्वेक से बच रहे हैं। उसके बाद हम ला रहे हैं गुलबर्गा सिटी से न्यूज़, जहां पर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कर्नाटका सिद्धरामैया जी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज किशोराज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की। इस मौके पर जनाब सैयद अली अल हुसैनी, डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी और आकिब अल हुसैनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी के कई सारे MLAs, कॉरपोरेटर्स, पार्टी वर्कर्स भी इस इवेंट में शामिल रहे। उसके बाद सिद्धरामैया जी ने दरगाह हजरत सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह शेख रोजा शेख दखन को विजिट किया। अफजलुद्दीन जुनैदी बाबा उर्फ सिराज बाबा और एडवोकेट वहाज बाबा ने उनका इस्तकबाल किया।
उसके बाद हम बात करते हैं एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहबा के घर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी जहां पर किस तरह से प्रजाद्वानी समावेश रखा जा रहा है 10 फरवरी को शन बसवेश्वर टेम्पल ग्राउंड में, इस प्रोग्राम की तैयारी किस तरह से की जाए उस पर डिस्कशन हुआ। इस मौके पर एमएलए मैडम कनीस फातिमा साहबा के साथ फराजुस्सलाम, नजमुलस्सलाम अहमद, सैयद अहमद नॉर्थ ब्लॉक प्रेसिडेंट, मजर आलम खान, वाहिद अली फातिह खानी, अब्दुल खदीर चोंगे, शफी हुंडेकर, साथ साथ कांग्रेस पार्टी कॉरपोरेटर सीनियर लीडर्स यहाँ पर इस मौके पर मौजूद रहे। उसके बाद हम बात करें कंट्रोवर्शियल ड्रामा जो किया जा रहा है टीपू सुल्तान के खिलाफ, जहां पर हम बात कर रहे हैं रंग मंदिर में। आज जब आप बुलेटिन देख रहे होंगे तो ये नाटक जो है स्टार्ट किया जा रहा है रंग मंदिर में, जहां पर टीपू सुल्तान की असली हकीकत बोलकर बताया जा रहा है द रियल स्टोरी, जहां पर टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर नहीं बताया जा रहा है, ना ही टीपू सुल्तान जी को बताया जा रहा है कि वो उल्टा बताया जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, किस तरह से उन्होंने क्या क्या किया, इस तरह की बात की जा रही है। इस पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नाराजगी जाहिर की है, आइए सुनते हैं। अगर ये लोग टीपू सुल्तान की नाटक प्रदर्शन रद्द नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, तो हम लोग खेड़ी सावरकर का नाटक उसी दिन पेश करने जा रहे है। उसके बाद हम बात करते हैं आयशा पॉलीक्लिनिक और हिजामा सेंटर में आप हिजामा कर सकते हैं क्योंकि सुन्ना डेट्स आ चुके हैं। आज जब आप ये बुलेटिन देख रहे हैं 9 फरवरी को सुना डेट है, 11 फरवरी को है और 13 फरवरी को है। एड्रेस है ताजनगर मुस्लिम कॉलोनी फिल्टर बेड रोड गुलबर्गा। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। फरवरी 9th, 11th और 13th थर्सडे, सैटरडे और मंडे। उसके बाद हम बात करते हैं गुलबर्गा शहर का नाम जो है आज पार्लियामेंट में आ चुका है, जहां पर असदुद्दीन अवैसी ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन के कलर पर और बिल्किस बानो पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी कि हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपकी हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? सर नारी शक्ति की आप बात करते हैं तो बिल्किस बानो अगर मुसलमान नहीं होती तो बिल्किस बानो को इंसाफ मिल जाता। 20 साल से बिल्किस बानो लड़ रही है मगर उसका नाम बिल्किस बानो है, आप इंसाफ नहीं करना चाहते बिल्किस बानो से। ये नारी शक्ति आपकी है, पसमानदा मुसलमान से आपकी मोहब्बत दीजिए 1950 के प्रेसिडेंट ऑर्डर तरमीम करिए, दलित मुस्लिम का स्टेटस पसमानदा को दीजिए, आप नहीं देना चाहते। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, इफ यू वांट टू लीव अ हैप्पी लाइफ टाइड टू ए गोल नॉट टू पीपल और थिंग्स, यानी अगर आप जिंदगी खुशहाल बनाना चाह रहे हो तो उसे एक गोल के साथ, एक मकसद के साथ बांध दें। लोगों को या कोई चीज़ों को बांधने से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आप अपने एक मकसद से उसे जोड़ते हैं तो जिंदगी आपकी खुशहाल भी होगी और मकसद भी पूरा होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कोट था। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उमरा सर्विसेज, नियर पाकिसा, अपोजिट इनामदा पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। इस बार रमदान आप बना सकते हैं मदीना में, डिलक्स उमरा पैकेजेस मौजूद हैं, स्क्रीन पर डिटेल्स को फॉलो करें। आज की हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स से हम बात करें पानी का इंपॉर्टेंस क्या है, पानी पीने से एक्सरसाइज करते वक्त कितना आपको रिलैक्सेशन मिलता है। जी हाँ, याद रखिए आपको इंपॉर्टेंट है कि रिप्लेस करें फ्लूइड जो लॉस हो चुके हैं स्वेट से, बेस्ट फ्लूइड है पानी। जब भी आप डिहाइड्रेट होते हैं आपकी माइंड और बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती एट इट बेस्ट, आपकी बॉडी को सिम्टम्स आएंगे डिहाइड्रेशन के, जैसे कि डार्क यूरिन या लैक ऑफ स्वेट व्हेन एक्सरसाइजिंग। अगर आप एथलीट हैं तो आप इमीडिएटली फ्लूइड रिप्लेसमेंट का इंतजाम करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं, क्योंकि पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। अगर ज़्यादा पानी नहीं पीएंगे तो आपका टेम्परेचर और हार्ट के जो रेट है वो राइज हो सकता है, और पानी जो आपके जिस्म में जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा तो आपकी जिस्म को प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं मिलेगी। कॉमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय विला रेस्ट्रो मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट ऑन हुन्नाबाद रोड NH50, जहां पर आपको ग्रेट एम्बियंस के साथ मिलेगा आपको क्वालिटी फूड। उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। आज बहुत सारे कमेंट्स आए, मैं पूरे कमेंट्स पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा क्योंकि पहले तो हमारा रूल था
कि हम टॉप 10 कमेंट्स पढ़े, लेकिन आपका प्यार इतना सारा मिलता गया, भरोसा इतना सारा मिलता गया कि कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कमेंट आया है अशरफ हुसैन का, बिलीव योर सेल्फ एंड प्रायोरिटी लिखा है उन्होंने। सलीम बेगम ने सलाम लिखा है, एडवोकेट अब्दुल रियाज ने सलाम लिखा है, विनाइस ने लिखा है, सोहेल चौधरी ने सलाम लिखा है, कांग्रेस टिकट कोई मेल कैंडिडेट को मिलनी चाहिए इस तरह की बात करें। शुक्रता बानो ने गुड मॉर्निंग कहा है यादगीर से, बीसर जमीर अहमद खान शाहपुर को सुनने में आया कह रहे हैं। शुएब शेख लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अफजलपुर इशू पर भी बात करो, ज़रूर बात करेंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है तो। मोहम्मद शाहिद अहमद ने सलाम लिखा है, कुछ लोग मेहनत से आगे आते हैं, कुछ लोग किस्मत से आगे आते हैं, लिख रहे हैं गयासुद्दीन, मोहम्मद गयासुद्दीन। सैयद दानिश अहमद वजीर लिख रहे हैं हागरा सर्कल पर हागर का क्रॉस पर सर्कल बनाना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स वहाँ पर रहना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल रहना चाहिए बोल रहे हैं। मोहम्मद हबीब अहमद कह रहे हैं तार भाई ये इस्तेमा कहाँ पर है, ये देखिए पीर बंगाली ग्राउंड जिसे हम कहते हैं दरगाह पीर बंगाली के अपोजिट में जो वादी बंदनावा जो ग्राउंड है वहाँ पर है। शहाब अफरोज लिख रहे हैं अल्लाह ताला टर्की वालों को सेफ रखे और थैंक यू तार भाई, आप अपडेट्स न्यूज़ में पहले आपकी ही न्यूज़ देखता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत। मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। सलीम ऐसा लिख रहे हैं आज की बुलेटिन न्यूज़ बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा, क्या बात है सलीम भाई, जैसा कि अल्लाह तार भाई, थैंक यू सो मच। रुकनुद्दीन मंठाई लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। नौशीन जी लिख रहे हैं अल्लाह ताला सीरिया और तुर्की के तमाम लोगों की मदद फरमाए आमीन। मोहम्मद अफजल ने हार्ट भेजा है। तहसीन शेख ने इलियास सेठ को ही मिलनी चाहिए लिख रहे हैं। नौशीन सबा लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। एआर लिख रहे हैं इतने ज़्यादा ऑटोस हैं दरगाह लाइन में कि बहुत सारा इशू चल रहा है वहाँ पर लिख रहे हैं। उमे सलमा लिख रही हैं अस्सलाम वालेकुम, घबराओ नहीं, परेशान ना हो, नाउमीद ना हो, वो तुम्हारी हर सदा सुन रहा है, तुम्हारे आंसू उसके लिए बहुत कीमती हैं, वो बहुत जल्द तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमाएगा, ये देर फ़कत तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बी स्ट्रॉन्ग टर्की के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा एक अशार लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद खली लिख रहे हैं बिल्कुल सही बोले रहीम पटेल साहब, सिटी बाई जिंदाबाद। ताजुद्दीन ने भी लिखा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ओबीएस ब्रांड एम्बेसडर का अस्सलाम वालेकुम, तार अब्बास भाई सब बच्चों की किडनैपिंग का न्यूज़ में नहीं मिल रहा है, मेरे अपील पुलिस डिपार्टमेंट से है, किडनैपर जल्द से जल्द पकड़ें और बच्चों को सेफ रखें, और बच्चों के माँ बाप से भी उन्होंने गुजारिश की है। मश्क किंग लिख रहे हैं कांग्रेस मुस्लिम एमएलए और एमपी काउंसिलर की कॉन्ट बताइए और दोस्ती पार्टी में कितनी। वायु से लिख रहे हैं तार अस्सलाम वालेकुम, गोवा शुभ्रा की किसान हैं आप, अपलोड करने तक हम इंतज़ार करते हैं, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक लोना के तार सर नमस्ते, नमस्ते सर, आपकी न्यूज़ देख के बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू अशोक सर, थैंक यू सो मच। मोहम्मद मुसाफिर लिख रहे हैं अम्ब्रेला कांट स्टॉप द रेन बट कैन मेक अ स्टैंड इन रेन, कॉन्फिडेंस मे नॉट ब्रिंग सक्सेस बट गिव अस पावर टू फेस एनी चैलेंज, क्या बात है, इसे हम अपने कल के बुलेटिन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। अर्ची अंजुम ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, शाही किचन लिख रहे हैं आपकी एक्सरसाइज का वीडियो डालिए, दोस्तों को भी सीख मिलेगी, भाई हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका बहुत ही अभी वियर्ड है, मैं और जैद एक्सरसाइज जो कर रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, तो जैसे जैसे एक्सरसाइज का जरा फाइनल स्टेज पर पहुँचेगा तो ज़रूर हम आपको शेयर करेंगे। दमू चौहान लिख रहे हैं मास्टर प्लान कीजिए, गुलबर्गा में बहुत तकलीफ हो रही है, थैंक यू दमू चौहान जी। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय केबीएन यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड हॉस्पिटल एंड शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। डेली बुलेटिन इज पावर्ड बाय फाइन आर्ट डिजाइनर्स, ए कंप्लीट मेंस वियर एंड किड्स वियर, एक्सक्लूसिव फॉर सूट्स एंड शेरवानीज़।